हरियाणा में उसकी जो चाबी थी वो जो है वो चाबी खराब हो गई और उनके जनादार पे ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी जब खराब हो गई हरियाणा के अंदर, उनके जनादार का कमरा बंद हो गया, तो फिर वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान। कि क्या ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाके समर्थन दिया और देश प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती रहे, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए, इस आधार पर गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पर समझौता हुआ है। जो दो बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी, या तो कानूनी नियत से बनाया गया था कि ये कानून चलने वाला नहीं है, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया है, इनसे समर्थन कैसे लिया है। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था, कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी, हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार, हरियाणा में बार बार शराब घोटाले आए, कोरोना में शराब घोटाला आए, जहरीली शराब से पिछले साल सोनीपत में बहुत लोगों की जान गई, जहरीली शराब से इस साल यमुनानगर में आपने देखा कितने लोगों की जान गई। केवल हरियाणा के अंदर शराब घोटाले नहीं, देश में कहीं भी शराब घोटाला होता है उसके भी तार हरियाणा से जुड़े मिलते हैं। कहीं धान घोटाला आ रहा है, कहीं शराब घोटाला आ रहा है, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला आ रहा है, कहीं गुड़गांव मेट्रो रूट घोटाला आ रहा है, लगातार जिस तरह से कहीं अमृत योजना घोटाला आ रहा है आपके सामने, तो ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची सरकार जो बनी है ये इस गठबंधन की वजह से आज देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में। और ये जो 75% की बातें थी और ये 5100 पेंशन की बातें थी, केवल मीडिया की बातें थी, धरातल पे इनका कुछ नहीं, आपको भी पता और हमें भी पता है। अब ये एक्सपोज हो गए, ये बात जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने खारिज किया ये कानून, उस दिन जो हमारी बात थी वो सच साबित होगी। अब आप हमारी बात को चलाओ, हमारी बात को दिखाओ, पहले आपने उनकी बात दिखाई 4.5 साल, अब 6 महीने आप हमारी बात चलाओ। राजस्थान में जेजेपी चुनाव लड़ रही है, चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जेजेपी पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो कहीं भी लड़ सकती है चुनाव, इसके बाद वो तमिलनाडु और अगला चुनाव अमेरिका से भी लड़ सकती है, क्योंकि क्योंकि हरियाणा में उसकी जो चाबी थी वो जो है वो चाबी खराब हो गई और उनके जनादार पे ताला लग गया, वो ताला खुल नहीं रहा। फिर वो चाबी जब खराब हो गई हरियाणा के अंदर, उनके जनाधार का कमरा बंद हो गया, तो फिर वो चाबी लेके पहुंच गए राजस्थान। कि क्या पता ये ताली वहां लग जाए, ये चाबी वहां लग जाए। राजस्थान में भी खुला नहीं, राजस्थान में भी खुला नहीं, इसके बाद वो कहां जाएंगे? तमिलनाडु भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, और फिर वो अमेरिका, कहीं भी जा सकते हैं। स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक दल का अपना एक विवेक होता है, मगर उनकी जो चाबी है वो खराब हो गई, उनको हम बताना चाहते हैं, कोई ताला खुलने नहीं वाला, क्योंकि लोगों ने उनकी नीयत पहचान ली। ये एक ऐसी पार्टी निकली, ये आखिरी बात आपको बताते हुए, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग को धोखा देने का काम किया है। इस पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा दिया, पहले कहते थे बीजेपी को करो 75 पार, फिर बीजेपी की बनवा दी चंडीगढ़ में सरकार, पहले अपने मतदाता को धोखा दिया, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन पे हम समझौता कर रहे हैं, 5100 बुढ़ापा पेंशन नहीं आई, बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया, फिर कहा 75% रिजर्वेशन पे निजी क्षेत्र में हम समर्थन दे रहे हैं, वो 75% का कानून नहीं बन पाया 4.5 साल में, प्रदेश के युवाओं को धोखा दिया, फिर कहते थे किसान कृषि कानून तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन आज के दिन 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कह दिया वापस हो गए, तो किसान से धोखा दिया प्रदेश के, फिर कहते थे कि ब्रिजभूषण के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, दिल्ली पुलिस ने लिख के दे दिया ब्रिजभूषण
हर मौके पे हमारी महिला पहलवानों महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करता था वो आरोपी, तो हमारी बेटियों के साथ धोखा किया, हमारे खिलाड़ियों के साथ धोखा किया, उससे पहले अपनी पार्टी और परिवार के साथ क्या किया वो धोखा नहीं किया तो और क्या किया, आपके सामने है। एक क्योंकि मेरे को उत्तर प्रदेश में चुनाव में मैं थोड़ा सा सक्रिय रहता हूँ, प्रियंका जी ने वहाँ राहुल जी ने मेरी ड्यूटी वहाँ पे पिछले 2-3 चुनाव में लगाई है। एक कानपुर में एक दुकान है, मिठाई की दुकान है, लड्डू बड़े फेमस हैं वहाँ के, और वो दुकान है उसका नाम है ठग्गू के लड्डू, ठग्गू के लड्डू, और नीचे लिखा हुआ है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये जो जेजेपी है ये उन ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आए, वो हरियाणा फ्रेंचाइज पिट गई, अब राजस्थान गए, राजस्थान वाले लोगों ने भी कहा कि भाई ठग्गू के लड्डू की तो यहाँ भी जो है, अब इसके बाद वो तमिलनाडु जाए, अमेरिका जाए, फ्रांस जाए, यूरोप जाए, जापान जाए, वो आप उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो।